एक्चुअली मैं अंदर अंदर से काम कर रहा था, बाहर अगर मेरा काम बाहर काम निकल जाए बोलने से, पॉलिटिकल लीडर लोग मेरा पीछे पड़ना था और ऑफिसर लोग पीछे पड़ना था, इसलिए सर उसके हम अंदर अंदर में काम करके करके बैठा है। तो आज आपको हम वो काम को दिखाएगा, और आज मेरा वहाँ पर कोर्ट में भी आरटीआई कोर्ट में केस भी है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। और हमारा जो ऑफिसर लोग किस तरह का गलत काम करता है और कैसा करता है आप सबको बताएगा, स्पेशली पीएचई जेजेएम और जेजेएम और ये मेंटेनेंस के बारे में। तो मैं दो काम तीन काम कर रहा हूँ अभी, हमारा ओलेच जो बूढ़ी बूढ़ा लोग का जो ओलेच पेंशन है, उसके बाद विधवा है, उसके लिए मैं सरकार को ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उस तक पहुँचा है, वो काम कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पीएचई का आप सबको मैं दिखा दूँ कि जितना भी इस बार जेजेएम आया था, जनजीवन मिशन एक तो प्रोजेक्ट आया था, बहुत करोड़ का है, अनगिनत करोड़ का है, मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार करोड़ का है हमारे स्टेट में आया, लेकिन हमारे स्टेट जो उसको मिसयूज किया गया है। जो भी काम करता है, जो भी काम किया है और जो भी काम करता है, तो वो शायद मेरे ख्याल से जो काम करने वाला अच्छा ही क्या होगा, उसको डिपार्टमेंट जो कैसे करके बदू बनाया जाता है। ये आप इसको देख सकता है, ये है ये रागा का है, और ये है जीरो का है। उसका बाद ये है ये दापोरिजो का है। उसका बाद ये है दिरांग का है। ये जो आरटीआई मारा है, आप सबको मैं एक बार बता दूं कि इसमें ऐसा काम किया गया है कि जो डिपार्टमेंट लोग एक चीज़ को क्लियर जानना है कि हमारा डिपार्टमेंट जो क्या किया है, डिपार्टमेंट जो इसको जो ये कागज़ को दिया है और काम किया है। तो जेजेएम का जो काम किया वो सेंट्रल स्कीम है, उसको बहुत सा जगह में जेजेएम में 30-40 लैक्स है, 50 लैक्स है और 60-70 लैक्स है, उसको क्या किया गया है, ये लोग चेक में नहीं दिया है। तो चेक में काम चेक देखो यहाँ बैंक इंटरेस्ट इसका भी पूरा नील कर दिया है, यहाँ में नील कर, हर कोई जो बैंक में चेक डिपॉजिट करता है और बैंक का जो लेता है, जो बैंक से पैसा लेता है, उसको ये लोग पूरा अंडरग्राउंड कर दिया, माने बता रहा ही नहीं कि बैंक का जो पैसा कितना निकाला है और क्या किया है और जो काम किया है उसको पैसा कितना दिया है, बिल्कुल नहीं बताया है। तो ये लोग क्या किया है, किसी को वोट जो ज़्यादा है, जैसे 30-40 लैक्स का पैसा को, 30-40 लैक्स का पैसा को ये लोग क्या किया है, 10-15 लाख 20 लाख रुपया पेमेंट किया है, जबकि वो सेंट्रल स्कीम है, जेजेएम जो सेंट्रल स्कीम है उसको क्या किया है, ये लो 50-60 लैक्स का को ये लो पाइप को सप्लाई देता है, बोलता है सीमित को सप्लाई देता है, जबकि वो देना ही नहीं चाहिए, वो जबकि वो सेंट्रल स्कीम है, वो स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, जेजेएम जो जनजीवन मिशन वो स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, उसको ये डिपार्टमेंट लोग क्या किया है, पूरा पैसा को काट दिया, 70-80% का जेजेएम पैसा को ये लो जेजेएम पैसा को काट दिया ये लोग। तो ये जेजेएम पैसा जो और जो भी जेजेएम में काम किया है, अभी जो हम लोग का जो जीरो हो गया और बहुत टवांग है, बमडीला है और सेपा है, अभी पाके केसन उसका बाद सागाली है, बहुत सालों अभी भी नहीं दिया है, पापमपारे है, बहुत सालों अभी भी यहाँ पर नहीं दिया है, मैंने क्या है वो अभी भी पूरा को ये कर रहा है, गंडोगल कर रहा है, इसका पैसा को पब्लिक को कैसे बदू बनाया जाएगा। तो जितना भी जेजेएम काम किया है, अब सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग प्लीज़ एक बार डिपार्टमेंट में जा के बात कीजिए, अगर 40-50 लैक्स का आपको टेंडरिंग हुआ और करोड़ का टेंडरिंग हुआ, यानी कि वो आपका करोड़ का ही पैसा है, वो लोग आपको पैसा कटा वो गलत से कटा है, हाँ कुछ ये डिपार्टमेंट चौथू पर्सन, उसके बाद कुछ टेंडर अमाउंट का कुछ पैसा करना, उसके बाद ये GST कुछ पैसा करना वो कट सकता है, लेकिन ये लोग क्या क्या है, सबसे 70% कटा है पैसा जो, तो ये 70% कटा जो, ये जो 70% कटा जो, ये बहुत गलत है कटा है। यहाँ में काम कौन किया बोलने से, हमारा कुछ MLA का ही अपना आदमी लोग, मिनिस्टर का ही अपना आदमी लोग, तो हमको अभी ऐसे सुनने को मिल रहा है कि ये जो पैसा 70% कटा है उसको MLA और डिपार्टमेंट का इंजीनियर लोग और एक्शन लोग 50-50 डिवाइड किया है।
तो ये जे जे एम काम हुआ है स्पेशली मेरा इस कामिंग का, मेरा इस स्पेशली मेरा बामिंग काम बताएगा, मेरा बामिंग में जे जे एम काम नहीं हुआ है। तो जे जे एम पहले काम कर चुका है, जब जो हम लोगों में फास्ट एक्शन था, नाम लेने से भी गुस्सा करता है, भारत सोनम था, वो बामिंग का बहुत सा जे जे एम को काम नहीं करा के, टेंडर नहीं करा के, टेंडर नहीं करा के पैसा ले लिया, तो पैसा भी हैंड टू हैंड में पेक के है। अभी हम एक भी जे जे एम ऐसा नहीं दिखा सक रहे कि ये लोग हम बोले कि चेक फर्निश करो, जो चेक है जो आपने किसी आदमी व्यक्ति को जो काम किया उसको जो ये जो जो ये क्या बोल काम किया उसको चेक जो काट दिया है उसको आप लोग फर्निश करो, डिपार्टमेंट से फर्निश करो, तो ये लोग कोई फर्निश नहीं करते, कोई नहीं दे सक रहा है, नहीं दे सक रहा। इसका मतलब क्या है कि ये लोग आप लोग को सिर्फ थोड़ा सा परसेंट काट दिया है, यानी कि जो 50 लाख का होता है उसको 10 लाख 15 लाख पैसा काट के ये लोग 40 लाख 35 लाख ये लोग ले लेता है। तो इसका ये मतलब है कि जे जे में हमारे स्टेट में जो लिया है वो बहुत खराब से घोटाला हुआ है, और जे जे में जो जो काम किया है, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है आप डिपार्टमेंट जाके पैसा को आपका जितना है एनओसी में जितना आया है टेंडरिंग जितना किया उसको पूरा मांगिए, क्योंकि काम आप किया है, आप काम किया है तो क्यों पैसा वो लो ये ऑफिसर और एमएलए लो लेगा। आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है अगर उसमें भी कंफ्यूज हो, अगर कोई एक्शन अगर कोई डिपार्टमेंट अगर आपको चैलेंज करता है या कोई आपको बोलता है तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमको बुलाइए, हम बात करेगा कौन सा बेसिस में वो कि इतना पैसा दूसरा से काट सकता है। और स्पेशली हमारा यहाँ वेस्टर्न जोन का प्लीज़ उसका जितना भी आदमी है जैसे कि डापो रिजो करूँ करादानी इस्कामिंग वेस्ट कामिंग तवांग बमदीला उसका पके केसन पपम पारक और ये क्या बोलते हैं वो आलो जीरो ये सब का जितना भी डिपार्टमेंट है पीएचई का डिपार्टमेंट अगर कोई भी एक्शन अगर आपको चैलेंज करता है कि हम पैसा करने का राइट है तो आप उस समय में मुझे बुलाइए कि हम पूछेगा कि किस बेसिस में पैसा करने का राइट है। उसका कुछ भी पैसा करने का राइट नहीं बनता है, लेकिन सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हम पैसा ऐसे काट रहा है वैसा काट रहा है। हमारे इसकामिंग में हाईएस्ट घोटाला हुआ है, इसकामिंग में और वेस्ट कामिंग में उसका बटवांग में हाईएस्ट घोटाला हुआ है इस चीज़ का। और क्या क्या है उस चीज़ का आपको हम क्लियरली बताएगा। हम लोग का जो पीएचई जो पहले जो टैंकी बनाया उसको कोई रिपेयर किया है, जैसे कि वेस्ट बमदीला में क्या हुआ है कि जे जे एम नहीं बनाया है, मैक्सिमम बमदीला में जे जे एम नहीं बनाया है। उसमें क्या क्या है कि जो पहले पुराना टैंकी है उसको रिपेयरिंग करके या पुराना टैंकी से जो WTP से कनेक्ट करके उसको जे जे एम बोल के पैसा सबमिट करने का बाद एमएलए लो मैंने पैसा को मिस यूज करके लिया है और डिपार्टमेंट ने लिया है। ये हम क्लियरली बता हम आरोप भी लगा रहे हैं। अगर हम गलती आरोप लगा रहे हैं तो हमको डिपार्टमेंट जो केस दे सकता है, हम क्लियर बोल डिपार्टमेंट हमको केस दे सकता है, हम उसके लिए रेडी है। अगर हम गलती नहीं बोल रहे तो डिपार्टमेंट हमको केस नहीं दे सकता, आप लोग ये बार याद रखो। अगर हम क्लियरली बोल रहे हैं कि ये जे जे में पूरा 90% घोटाला हुआ है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया गया है। जो जो काम क्या है देखिए यहाँ पे आपको हम बताएगा, देखो यहाँ पर एक 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 कॉपी है, यहाँ पर है तेरी जो रागा का है। देखिए ये जे जे एम का कागज़ है, देखो ये जे जे एम का कागज़ है, ये जे जे एम का कागज़ जो आपको हम एक क्लियरली देखो ये जे जे एम का जो ये जे जे एम का है तो ये जे जे एम बनाया है। तो इसका अमाउंट जो इसका सिर्फ फोटो को दिखाया है, इसका अमाउंट को ये लोग नहीं दिखा सक रहा है, अमाउंट को दिखा सक रहा है लेकिन अमाउंट को दिखा के अभी कितना चेक कटा है पब्लिक को कितना पैसा दिया है इसका नहीं दिखा सक रहा है। ये है हमारा यहाँ रागा का देखिए यहाँ में सूर्या का यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाया है यहाँ पर सूर्या, लेकिन यहाँ का अमाउंट को नहीं दिखा सका। तो काम किया पब्लिक है लेकिन पैसा लिया है जो 70% पैसा लिया है डिपार्टमेंट जो पैसा लिया है। तो हम अभी तो सुनने में आ रहा है कि डिपार्टमेंट और एमएलए दोनों ही पैसा को घोटाला करके पब्लिक को बदू बनाया है। और आपको हम एक बार और दिखाएगा, ये था ये क्या बोलता है बड़ागा का था, और आपको हम एक जीरो का दिखाएगा, ये जीरो का है, ये दापोरिजो का है, ये दापोरिजो का देखिए लिंगसा रापी विलेज देखो लिंगसा रापी विलेज यहाँ पर काम किया है। ये इतना काम किया होगा मेरा ख्याल से ये 50-60 लाख का होगा, लेकिन इसको पैसा दिया गया है 15 लाख 10 लाख 15 लाख 10 लाख।
तो आप सबको हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको जो जो चीज़ें काम किया है मेरा फेसबुक पेज में वॉइस फॉर वॉइस सोल्ड होम और जो जितना भी गाँव है, प्लीज़ अब इसको शेयर कर देना कि आपका पैसा को काटने का कोई जगह नहीं है इसमें, कोई जगह नहीं है। अगर कोई डिपार्टमेंट आपको अगर बोलता है कि आपका पैसा को हम इसमें काटा उसमें काटा है, हम ये सप्लाई दिया है, अगर ऐसा बोलता है तो आप बोलो लिख के दो। अगर उसमें भी नहीं होता है तो आप लोग जेजेएम जितना भी काम किया है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज जेजेएम काम किया है, तो आप लोग हमको बुलाइए। हम उस एक्शन को पूछना चाहते हैं, उस डिपार्टमेंट को पूछना चाहते हैं आप किस बेसिस में जेजेएम का पैसा काट सकता है। और मेरा इंटर इस कमिंग में हम पता है मेरा बस्ती जो इस कमिंग में लगभग 200 का करीब 270-80 है, 270 मान लीजिए 300, लेकिन हमारे इस कमिंग में इतना जेजेएम लगाया गया है 600 बस्ती ज़्यादा लगाया, यानी कि 600 डबल गुना लगाया। तो उसका पैसा यानी कि डिपार्टमेंट का दिया, तो डिपार्टमेंट का दिया तो हम कुछ इस कमिंग का हम अच्छे से पता है कि मेरा वहाँ में काम नहीं हुआ है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत से जगह में ऐसा काम किया। तो आप सबको मैं हम ये क्लियरली बात बताएगा, जो जेजेएम काम के है वो बिल्कुल पैसा डिपार्टमेंट नहीं काट सकता है उसको। हाँ, कुछ पर्सन काट सकता है, यानी कि 15% काट सकता है, 15% भी इसलिए काट सकता है, आपको हम क्लियर बताएगा, स्टेट शेयरिंग होता है, उसके बाद कुछ कुछ ऑफिसर लोग अपना आपको टैक्स ऑफिसर चार्ज बोलता है, उसके बाद कुछ लोग कुछ होता है कि ये GST वो सब काट सकता है। उसका अलावा आपको कोई पैसा करने का राइट नहीं है, और सप्लाई भी बोलो देने का राइट नहीं बनता है। सप्लाई भी वो क्यों दे रहा है उसको हम पता नहीं। जे जे एम का मीनिंग है जल जीवन मिशन, हर घर पानी। और ये जल जीवन मिशन के लिए सरकार जो ये रखा था कि 2024 तक इलेक्शन नहीं आने पहले तक सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला है कि हम आपको जे जे एम का पूरा कंप्लीट कर देगा। लेकिन अभी भी हम लोग का जेजेएम जो बहुत बाकी है और जेजेएम काम हुआ ही नहीं। मैंने देखा है कि रोइंग में देखा है कि एक बस्ती था, बस्ती में हमको देखा है कि वहाँ पर जेजेएम काम हुआ ही नहीं, पानी ही नहीं मिला किसी को, तो 7-8 साल से पानी नहीं मिल रहा, लेकिन भी वहाँ का ये दिखा रहा है कि हाँ जेजेएम काम हुआ है। तो यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट जो हम लोग को बहुत बेवकूफ़ बना रहा है, ये है हमारा जेजेएम का बात आपको हम बता रहे हैं। अगर जेजेएम का जो जो काम किया है आप सब जगह को आप जो पूरा हमको बताइए, अगर जेजेएम का जो जो काम किया इस वीडियो को शेयर करके आप प्लीज़ हमको बुलाइए, हम वहाँ डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, आके हम जो जेजेएम का जितना भी पैसा मिलना है और जितना भी देना बचा है एक्शन को मांगना है। अगर नहीं देगा तो उस एक्शन को हम लोग टिक करना है, क्योंकि वो आपका पैसा को काया है, आपका फैमिली का पैसा को, आपका मेहनत आप किया है, बेकर में पैसा एक्शन यही लोग काया है। तो अगर हम गलत है तो हमको FIR दो, ये था पहला। और सेकेंड ये जो मेंटेनेंस का बात, आपको अभी मेंटेनेंस का बात हम क्लियर बताएगा, जो मेंटेनेंस रहता है आपको हम क्लियर बताएंगे। ये राग एक तो है, ये रागा का है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PhD विद डिवीजन दापो, जो ये दापो का है, दापो का देखिए मेंटेनेंस काम हुआ है, ये मेंटेनेंस दापो का है। जो मेंटेनेंस जो पैसा होता है वो हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि मेरे इस कमिंग में 4-5 ईयर्स में 9 करोड़ आया है, वो मेंटेनेंस को हम खुद पता है कि इस कमिंग में मेंटेनेंस हुआ ही नहीं, वो 5-6 करोड़ 7-9 करोड़ जितना करोड़ आया है वो पैसा जो प्रो एक्शन जो का दिया है और डिपार्टमेंट जो का दिया है उसका भी हम आपको क्लियरली आप डिटेल बताएगा। हम इतना दिन से चुप चुप के यही काम कर रहा था, अगर हम बाहर निकल जाए तो बोलना था कि चलो कंप्रोमाइज़ करेगा, ये करेगा, वो करना था बोलना था, लेकिन हम इसलिए बाहर माने इसको मीडिया में बार बार नहीं ला रहे, आज हम फर्स्ट टाइम मेरा पेज में डाल रहे हैं। अगर हम कोई मीडिया अगर आके हमको क्वेश्चन करेगा तो हम उसको अच्छे से डिटेल भी बताएगा और मेरा यहाँ में भी आपको डिटेल बता रहे हैं। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, सिपा में हुआ है कि 7-9 करोड़ का ऐसे हम आपको बार अमाउंट भी दिखा देगा, अभी फाइव मेरा अभी नहीं है अमाउंट, ये अलमारी में होता है उसको हम बाद को दिखा देगा। तो आया है तो ये काम को मेंटेनेंस काम को ये लोग मेंटेनेंस नहीं किया है हर घर में, या तो हम अपने से पाइप खरीदता है, कॉलोनी मिल के पाइप खरीदता है, उसके बाद कॉलोनी मिल के हम लोग रिपेयरिंग करता है पाइप को, लेकिन उस रिपेयरिंग को क्या करता है ये लोग चुप चुप के फ़ोटो खींचता है, डिपार्टमेंट जो चुप चुप के फ़ोटो खींच के चुप चुप के ये फ़ोटो खींचता है और चुप चुप से बिल बनाता है। उस बिल जो मेंटेनेंस जो उस पैसा को डिपार्टमेंट का देता है, आपको हम ये क्लियर आप ये बात को आप लोग समझना चाहिए कि
मेंटेनेंस के लिए जितना भी कॉलोनी आता है उसका पाइप के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो मेंटेनेंस का पैसा हर डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है, लेकिन उस मेंटेनेंस पाइप को यूज नहीं करता है डिपार्टमेंट जो। डिपार्टमेंट जो क्यों यूज नहीं करते, किससे यूज नहीं करता उसको हम पता नहीं है, लेकिन क्या करता है जो आपका कॉलोनी, जैसे कि मेरा कॉलोनी न्यू सेपा हो गया, न्यू सेपा में आज तक भी मेंटेनेंस नहीं हुआ है। जितना पाइप खराब होता है कि हम लोग खुद अपना आप से पाइप खरीद के हम लोग पाइप खरीद के डालता है, तो उस डालने वाला को वो लोग डिपार्टमेंट जो जाके फोटो खींच के फिर सबमिट करता है कि हम लोग का मेंटेनेंस किया है, ये नया पाइप हम लोग लगाए बोल के यहाँ में दिखाई देता है। और यहाँ में बहुत सारे लोग मेरा डिस्ट्रिक्ट में तो हर घर में और हर घर में ये क्या बोलते हैं वो हर घर में एक रेंस होता है, अपना से पाइप बनाने वाला रेंस होता है, मेरा पास भी है। वैसे तो हम डिपार्टमेंट का पानी तो पीता नहीं है, लेकिन हम बताए हम एक रेंस रखते हैं और ताकि अपना से बनाए क्योंकि अपना है। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट में हर किसी के पास एक रेंस होता है ताकि वो रेंस जो अपना से पाइप को बनाए। और मेंटेनेंस में आपको और एक क्लियर एड कर देता है कि हमारा लेबर जो चार्ज लेता है, तो लेबर जो चार्ज लेता है वो भी गलत है। और जो जो लेबर को डिपार्टमेंट में अब हम लोग करा पाना पाइए जो पाना पाइए, हम तो सही को बोल रहे हैं। और डिपार्टमेंट जो पैसा लेबर चार्ज नहीं कर सकता है, आपको हम क्लियरली बट बताएगा, डिपार्टमेंट जो लेबर का चार्ज नहीं कर सकता है वो इम्पॉसिबल वाला बात है। लेकिन हम लोग यहाँ में क्या करता है कि जहाँ पर आप अगर लोकल बनाया था, लेकिन अब अगर जब आप घर बनाएंगे घर का वहाँ में पाइप कनेक्शन करेगा उसको चार्ज देगा, लेकिन हम लोग का यहाँ में लेबर लोग क्या करेगा कि कॉलोनी में अगर पाइप तान देगा तो उसके लिए भी चार्ज देता है। नहीं, उसके लिए ऑलरेडी मेंटेनेंस से पैसा भेजा है डिपार्टमेंट जो भेजा है। तो हम अभी यहाँ सुनने को ऐसा मिलता है कि जो एक्शन और चीफ इंजीनियर, यानी कि हमारा कोई भी चीफ इंजीनियर, नाम हम लेना नहीं चाहते हैं, जो कोई भी चीफ इंजीनियर वो दोनों फिक्सिंग करता है ये जो मेंटेनेंस का चीज़ को, फिक्सिंग करने का बाद क्या करता है कि जो एक्शन और चीफ इंजीनियर दोनों अगर तालमेल अच्छा है, वो दोनों बातचीत अच्छा करता है, वो दोनों पैसा को घोटाला करने में अगर एक साथ करता है, तो क्या करता है उस डिस्ट्रिक्ट में मेंटेनेंस पैसा जो चीफ इंजीनियर जो पैसा बेच देता है, यानी कि मेरे इस कमिंग में जैसे हुआ है 5-6 करोड़ पैसा भेजा है 1-2 साल में, यानी कि जबकि काम हुआ ही नहीं, तो 5-6 करोड़ मेंटेनेंस का पैसा भेजा। आपको हम क्लियर बताना, मेंटेनेंस का पैसा 5-6 करोड़ हम लोग इस कमिंग में भेजा है, तो इस कमिंग का और ये क्या बोलता है वो गया वाला और ये जो चीफ इंजीनियर दोनों तालमेल है, तो क्या क्या है चीफ इंजीनियर को 80% को पैसा बेच देता है, यानी कि 5 करोड़ का 80% को 4 करोड़ बेच देता है। तो 4 करोड़ बेच के क्या करता है चीफ इंजीनियर, जो हम सुना है कि अदा को पॉलिटिक्स में यूज़ करता है, पॉलिटिक्स में कहा देता है, ये हम लोग अभी क्लियरली सुन रहा है कि वो अदा को पैसा कहा देता है, अदा को पॉलिटिक्स में यूज़ करता है वगैरह वगैरह। और वहाँ का मान लो 4 करोड़ से 1 करोड़ रुपया हमारा वहाँ का PHC का मान लो एक्शन रख लेता है, तो एक्शन जो क्या करते हैं कुछ 10% जो JEE को दे देता है, AE को देता है कुछ परसेंट लेके, लेकिन बोल मिल बांट के पैसा को कह रहा है। देट मीन जे जो मेंटेनेंस का जो पैसा अब आता है वो आपको हम क्लियरली बता रहे हैं, आपको कोई पैसा देना जरूरी नहीं है। जो मेंटेनेंस का पैसा जो हर कॉलोनी में ऑलरेडी पैसा आया, हमारा इस्कामी डिस्ट्रिक्ट में भी 9 करोड़ आया, और बंडिला में मेरे ख्याल से 10 करोड़ ज़्यादा आया है, और ट्वांग में भी बहुत करोड़ आया है, और हाईएस्ट तो हमारा पपमपारा में आया है, कैपिटल रीजन में आया है, जो यहाँ पर मेरे ख्याल से 30-40 करोड़ है, जो काम हुआ ही नहीं। और हम भी पता है, अब भी पता है कि जो पाइप टूटता है उसको ट्यूब से बांध के रखता है या लकड़ी से लगा के रखता है, सब देखता है, लेकिन यहाँ में क्लियर में प्रॉपर में काम नहीं होता है। तो अभी आप सबको हम आप सबको एक बात क्लियरली बता देगा, जो JJM का है वो घोटाला हुआ है और हम इसको केस नहीं दे सकेगा। तो अभी हम फिलहाल पेपर रेडी कर रहे हैं, पेपर रेडी करने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट माने थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा तो डिस्ट्रिक्ट माने हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके आप लोग जो JJM में काम किया है, चाहे MLA हो चाहे जो हो और जिसका टीम हो, आप लोग खराब नहीं पाना है, विजिट करके हम ट्राई करता है कि JJM का जो काम किया उसका पैसा को सही ढंग से मिले, क्योंकि उसका फैमिली का काम करके पैसा को आप डिपार्टमेंट नहीं कह सकता है, एक्शन AE नहीं कह सकते। और कोई भी आदमी अगर एक्शन और JEE अगर बोलता है, डिपार्टमेंट अगर बोलता है कि हम लोग ऐसे में काटा है वो में काटा है,
अगर बोलिए कि वो डिपार्टमेंट बोलेगा कि हम पाइप को सप्लाई दिया है, हम सीमेंट सप्लाई दिया है, तो आप बोलिए कि आप पाइप और सीमेंट को सप्लाई दिया है बोल के हमको लिख के दो, डिपार्टमेंट सप्लाई क्यों, किस बेसिस में, रीजन पूछो। बिल्कुल रीजन नहीं है। अब हम आपको हम बताएगा वो कुछ भी बोलो सप्लाई देने के लिए रीजन नहीं है, बस बोलो पैसा कमाने का धंधा में, अपना फैमिली चलाने का धंधा में। तो लास्टली एक चीज़ प्लस कर देता है, अगर पैसा कहता भी है तो कोई गरीब आदमी को मदद करता तो अच्छा लगता, कोई फैमिली को, कोई सोसाइटी को मदद करता अच्छा लगता। तो हमारे यहाँ में इंजीनियर डिपार्टमेंट लोग पैसा भी कहता है, हम लोग को दांत भी दिखाते हैं और गाली भी देता है, उसका पैसा कहता है तो गलत काम में यूज़ करता है, टांस में, दारू में, और ये छोटा छोटा नहीं बोलना चाहिए वो सबको घुमाने में, ये सब में यूज़ करता है। तो आप सबको हम एक रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ 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 आप लोग एक बार रेडी कीजिए, हम ट्राई करेगा कि हम एक एक डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए ट्राई करेगा। फिर मेरा पास अभी थोड़ा टाइम नहीं हो कि अभी तो पेपर रेडी ही कर रहा है, जैसे ही पेपर मिलता है तो हम ट्राई करता है कि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और हम आप सबका साथ ज्वाइन करेगा। और आप लोग उस समय में चाहे गवर्नमेंट ये अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, पॉलिटिक्स नहीं बोलना है वो, कोई हम पॉलिटिक्स नहीं है। अगर कोई भी एमएलए मिनिस्टर उस बीच में आने के लिए ट्राई करेगा, उस एमएलए और मिनिस्टर को लगने के लिए हम भी रेडी रहेगा, क्योंकि हम भी किसी को झुकेगा भी नहीं है, सिर्फ हम झुकेगा आम आदमी पब्लिक के साथ में, गरीब आदमी के साथ में। लेकिन बेकार में कोई एक्शन और एमएलए मिनिस्टर अगर हमको झुकाएगा ट्राई करेगा, कोई ऑफिसर हमको झुकाएगा ट्राई करेगा, वो उसका पाँव में कुट कुलाड़ी मारेगा। हम क्लियरली बोल रहे हैं, अगर पैसा आप लोग काया है तो पैसा आप लोग दे दो, थैंक यू। और इतना में ही ये जे जे एम का ये थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा है, और आप लोग इसको शेयर कर देना, और आप लोग को उससे भी बात को नया नया चीज़ बताएगा, क्योंकि अभी जो हम ट्राई कर रहे हैं। और लास्टली आप लोग प्रार्थना कर दीजिए, अभी हम भी लगने के लिए पी एच ई को रेडी है, तो हाई लेवल हो चाहे जो भी लेवल हो लगने के लिए। आप सबको मेरा तरफ से धन्यवाद, आप सबने देखा जुड़ा, और प्लीज़ शेयर कर देना।